आइए हजरत, हम हर साल की तरह इस साल भी जो इंतजामिया कमेटी की जानिब से, इंतजामिया कमेटी करबला की जानिब से जो इनाम तकसीम होते हैं उनमें सबसे पहला इनाम जो दिया जा रहा है वो आली जनाब मौलाना कमर साहब को, आली जनाब मौलाना कमर साहब खानपुर, उनसे गुजारिश है कि बराए करम वो यहाँ डाइस पर तशरीफ ले आए। सबसे पहला इनाम उनका है और उसके बाद अंजुमन जाफरिया कानपुर के सेक्रेटरी से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ ले आए। अंजुमन जाफरिया के सेक्रेटरी आली जनाब मौलाना कमर हुसैन साहब तशरीफ ला चुके हैं। इनका तबरुक, इनका हदिया इनके हवाले जनाब शबीर साहब ने किया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अंजुमन जाफरिया कानपुर के सेक्रेटरी जनाब विक्की साहब तशरीफ फरमा है। मैं शबीर भाई से गुजारिश कर रहा हूँ कि इनका तबरुक जो दस्तियाब करें जनाब। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ अंजुमन शमय हुसैनी मोहम्मदपुर के सेक्रेटरी या साहिब व्यास यहाँ तशरीफ ले आएँ। अंजुमन शमय हुसैनी मोहम्मदपुर के सेक्रेटरी या साहिब व्यास तशरीफ ले आएँ। अंजुमन तंजीम अब्बासिया भोपाल के जनाब शबीर भाई और जनाब अली भाई अगर यहाँ मौजूद हैं, जनाब अली भाई अगर यहाँ मौजूद हैं तो अपना अपना तबरुक हासिल करें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अंजुमन आले मोहम्मद कुरोन के साहिब व्यास जनाब परवेज साहब अगर यहाँ तशरीफ़ फरमा है। करोन अंजुमन आले मोहम्मद करोन के साहिब व्यास या सेक्रेटरी अगर यहाँ तशरीफ़ फरमा है अपना तबरुक। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अनुज और जनाब शाकिब जनाब आउन साहब से कि अपना तबरुक यहाँ से दस्तियाब कर लें। अंजुमन यादगार हुसैनी जिसके साहिब व्यास जनाब साहिब आलम साहब मुजफ्फरनगर, उनके अगर कोई मेंबर हो तो बराए करम वो अपना तबरुक यहाँ से दस्तियाब कर लें। अंजुमन यादगार हुसैनी के साहिब व्यास जनाब साहिब आलम साहब मुजफ्फरनगर अगर वो यहाँ मौजूद नहीं हैं तो इंतज़ामिया कमेटी के कोई भी मेंबर उस तबरुक को ले सकते हैं और उनको पहुँचा दिया जाए। हाँ, मैं अपने शब्बेदारी की निज़ामत के जो फ़राइज़ को अंजाम दिया जाहिर साहब ने, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारी तंजीम अब्बासिया की जानिब से। और जितनी भी अंजुमन यहाँ तशरीफ़ लाई हैं सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और हमारी अंजुमन की तरफ से मौला के दर से जो एक तबर्रुक के तौर पर निशानी दी जाती है, मैं गुजारिश करूँगा हमारे शब्बीर भाई से कि ये तबर्रुक जाहिर साहब को तशरीफ। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि जो दुनिया में परेशान हाल हैं कि तमाम परेशानियों को दूर कर दे। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो दुनिया में मखलूस हैं उनके तमाम फर्जों को गैर से अदा करवा दे। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि जिसने जितने भी शब्बेदारी में दामे दर में कदमे सुहाने इमदाद किया है उन तमाम ही हजरात को करबला की ज़ियारत जल्द अज जल्द नसीब हो। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि बीवी सकीना और मजलूमा के रोज़े की ज़ियारत जल्द अज जल्द नसीब हो और दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर दे जो बीवी सकीना के रोज़े को मिसमार करने की सोच रहे हैं। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो बेऔलाद हैं उनको औलाद की दौलत से मालामाल कर दे। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि जो दिल में अपने अरमान रखते हैं कि उनके पास मकान हो और ज़िक्र सैयदुश्शोहदा और फर्श इमाम हुसैन अपने घर में बिछाएँ और मजलिस सैयदुश्शोहदा करें, मगर उनके पास मकान ना होने की वजह से वो इमाम हुसैन का मजलूम का फर्श आज़ा अपने घर में नहीं बिछा सकते। उनको इतनी बड़ी जगह दे दे, इतना बड़ा मकान दे दे कि वो इमाम मजलूम के फर्श आज़ा अपने घर में बिछा सकें। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का बहुत से शियाने हैदराबाद ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मैं जिक्र अहले बैत पर और शब्बेदारियों में मजलिसों में मातम में दिल खोल के खर्चा कर सकूँ, मगर किसी वजूहत के तहत उनके हाथ तंग होते हैं इसलिए वो जिक्र सैयदुश्शोहदा पे अपने दिल खोल के खर्चा नहीं कर सकते। परवरदिगार उनको इतनी दौलत दे दे कि वो जिक्र सैयदुश्शोहदा पे अज़ाए इमाम हुसैन पर दिल खोल के खर्चा कर सकें। और बेहतरीन दुआ ये है कि इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द हो और उनको उनके अंसार में शुमार फरमाए। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का आखिरी दुआ
कि जितने भी हजरत इस शब्बेदारी में थे उनको इतनी उम्र दे, इतनी तवील उम्र दे कि परवरदिगार अपनी हिफ्ज़ व अमान में इनको साल भर तक रखना, जिससे साल भर के बाद फिर इस शब्बेदारी में ये तमाम हजरत शरीक हो सकें दामे दर में कदम सुखने। इसी के साथ ये शब्बेदारी आइंदा साल के मुलतवी की जाती है और मैं उनके लिए भी दुआ करूँ अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी करबला और अंजुमन अब्बासिया के तमाम इमरान के हाथ में भी दुआ कर रहा हूँ कि परवरदिगार इनको और दूनी दिन दूनी रात चौगुनी दौलत दे कि और बड़ी शब्बेदारी कर सकें और जिक्र अहले बैत पे खर्च कर सकें। ए परवरदिगार इनके हौसलों को कभी मोड़ना नहीं, ए परवरदिगार इनके दिलों को कभी तोड़ना नहीं, बल्कि इनके हर काम को अपने गैर से अदा करवा देना। इसी के साथ इस शब्बेदारी आइंदा साल के लिए मुलतवी की जाती है।